नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारी संवाददाता से प्राप्त माहिती के आधार पर योग दिवस तन ही नहीं मन को भी निरोगी रखता है। योग के अनुसार जिसका मन रोगी और कमजोर है उसका शरीर भी रोगी और कमजोर होगा। आयुर्वेद में दो तरह की बीमारियां होती है, शारीरिक तथा मानसिक। इनका आपस में संबंध है। COVID-19 की इस महामारी की वजह से केवल तन ही मन पर भारी पड़ रहा है। विश्व योग दिवस 21 जून पर आ चुका है। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया है। कैसे तन और मन को स्वस्थ रखता है, इस वर्ष की थीम पर घर में रहकर किन किन लोगों ने किस किस तरह से योग को अपना आयाम और व्यायाम बनाया है और स्वभाव बनाया है, और मानसिक समस्याओं को किस तरह से प्रभाव होने से रोग को दूर भगाया है। नमस्कार, आज मेरे साथ वलसाड़ की पूरी योग टीम, हम पानेरा हिल्स पर है और योगाभ्यास सुबह सुबह भी किया, और अभी अंत में कुछ यादगार पल आपके लिए छोड़ जा रहे हैं पानेरा हिल्स से। तो आइए योगिक जॉगिंग के बारे अभ्यास करेंगे, विश्वास भजन प्ले कर देंगे। जी चलिए शुरुआत पूरे श्वास प्रश्वास के साथ। दूसरा अभ्यास, रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे। जागने का वक्त आ गया, गति से। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। नेक्स्ट, रात सामने पूरा बैठ। अंतिम अभ्यास, दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। चलिए बैठ जाए, आंखें बंद, थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाए। विश्राम किसी के लिए, कुछ देर के लिए मन को शांत करने, श्वास प्रश्वास की गति पर पूरा ध्यान। एक सुंदर भजन, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। इस भजन के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। विश्वेश्वर भजन लगा देंगे, कपालभाति प्राणायाम। एक भजन सुनाते हैं, कम वक्त में तुम्हें बहुत काम करने हैं। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथिको,
तो मेनू तन पथ घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना के साथ। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेरी कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेरी कदम चलना होगा। जे परम तपस्या के पति को तुम्हें तन पथ चलना होगा। वक्त है कम लंबी
स्तुति पाठ के साथ समापन किया। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद समापन कीर्तन के साथ ही संगीत में योग अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ जो भी योगाभ्यास आज करे हैं, जो भी हम सीखे हैं, उसको निरंतर अपने दैनिक जीवन में अपनाते हुए हम स्वयं स्वस्थ बने और हमारे आसपास सभी को योग के प्रति जागृत करें और उनको योग मार्ग पर आगे लेकर आए। ऐसे दिव्य संकल्प को मन में धारण करते हुए आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए मेरे साथ वलसाड़ से वलसाड़ भारत स्वाभिमान के उपाध्यक्ष रंजीत भाई राठौड़ है और तहसील प्रभारी महिला तहसील प्रभारी दक्षाबेन राठौड़, साथ में योग शिक्षक अपने सनी भाई, फिर इस तरफ दिनेश भाई और पूरी हमारी टीम है। सामने भी बहुत सारे भाई बहन हैं, पूरी टीम आज बहुत अच्छे से योगाभ्यास किया। पानेरा हिल पर एक नैसर्गिक वातावरण में हमने योगाभ्यास किया सिद्ध स्वामी जी महाराज को देखने के बाद। आप भी सभी योग करें और आज हम एक ही संकल्प को यहाँ से लेकर जाए कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमारी ऋषियों की देन है, जो उनके तप और पुरुषार्थ से इतनी अच्छी विधा हमें प्राप्त हुई है, तो बस उसको हम अपनाएं, हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुँचाएं और हमारे भारत की संस्कृति का गौरव, भारत का गौरव आगे बढ़ाए। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, तो आत्मनिर्भर से एक बात तो है कि हमें स्वदेशी व्रति बनना है, स्वदेशी का पूर्ण पालन करना है, पर साथ ही हम हमारे शारीरिक दुख दर्द से, शारीरिक कष्ट से दूसरों पर निर्भर ना बने, किसी के लिए हम व्यथा का कारण ना बने। तो एक संकल्प मन में कि मैं खुद तो स्वयं तो कभी बीमार ना हो और ना किसी को होने दूं, मैं मेरे पूरे परिवार के साथ योग करूं और सबको स्वस्थ रखूं। जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठा योग दिवस है।